लाइट ना होने से आपको क्या परेशानी आती है? गर्मी लगती है, प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाते हैं। ग्राम पंचायत बराच है जो पन्ना तहसील के मध्य प्रदेश में है। इस गांव में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की तरफ से मेघावी छात्रों को उत्कृष्ट छात्रावास की व्यवस्था की गई है, परंतु यह 4 वर्ष से नवीन बिल्डिंग में संचालित है, लेकिन इस भवन में लाइट कनेक्शन न होने से परेशानी उठानी पड़ती है। लाइट लग जाए तो सबने हर पंखा चलने लगे, पानी टंकियन में आने लगे, नहाने धोने की और व्यवस्था बढ़ जाए, पढ़ाई का स्तर और बढ़ जाए, क्योंकि लालटेन और गैस सिलेंडर में उतनी पर्याप्त पढ़ाई नहीं हो पाओ। जैसे लाइट नहीं है तो लैब लेबोरेटरी काम नहीं हो पाता, और यहाँ ऑफिस में भी कोई गर्मियों में काम नहीं हो पाते हैं। खुले मैदान में ये स्कूल बना हुआ है तो बहुत गर्मी लगती है। इससे छात्रों को क्या नुकसान होगा? छात्र को नुकसान ये है कि वो और ज्यादा अध्ययन कर सका जो लाइट लग जाए, लालटेन में तो कम पढ़ पाओ। कब आपने लगाए थे आवेदन? आवेदन तो दिखा नहीं, 3-4 बार लगाए जब से आगे साथ में आए भाई। बिजली विभागों का क्या था कहना? बिजली विभाग के कह रहे करें दे रहे या बरसात बात कर देंगे। लाइट होना चाहिए, लाइट की व्यवस्था गवर्नमेंट से करानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि छात्रावास भवन बराश में लाइट कनेक्शन न होने से यहां के छात्रों को काफी परेशानी होती है, इसलिए मैं अपील करता हूँ कि यहाँ पर लाइट कनेक्शन दिया जाए। यह बदलाव श्रीमान YC महोदय जी ला सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 94-25-61-38-45। कृपया यह वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि इस नंबर पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं लखू प्रसाद पन्ना जिला से इंडिया अनहर्ड के लिए।